ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपाः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की, दादा सोमनाथ की, भगवान श्री आदिनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी महाराज की, सभी संत जनों की, आचार्य मुनि जनों की, सभी पूज्य जनों की, पूज्य माँ, सभी साध्वी जनों की, विद्वत जनों की, विराजमान सभी साधक साधकाओं की, जैन परंपरा की, सनातन परंपरा की, गुरु परंपरा की, नमः पार्वती पतये हर हर। नमोस्तु। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी महती कृपा, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणाश्रित आशीर्वाद की कृपा, पुंज प्रसाद से गुरुजनों की महती कृपा, संतों की कृपा, दृष्टि के प्रभाव के कारण इस नालायक को बोलने लायक जो बनाया है, ऐसे गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। और आज मंचासीन मंच के दक्षिण भाग में और वाम भाग में विराजमान ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा, ऐसे आचार्य, ऐसे विद्वज्जन जब भूमि पर चलते हैं तो भूमि का भी दिल पिघलता होगा। और हमने अभी अभी पूर्व में मंच पर कहा कि जब भी हम भारत के जैन परंपरा के इन महापुरुषों को चलता हुआ देखते हैं, वह कठोर तपती दोपहरी में जब पादुका पहनकर भी चलना कठिन हो जाता है, ऐसी कठोर तपती दोपहरी में जब भारत की सनातन परंपरा में हमारे इस भारत भूमि के जैन परंपरा के आचार्य मुनि श्री सहजावस्था में चलते हैं, तब ऐसा लगता है भारत का विश्व गुरु विचरण कर रहा है, भारत का भविष्य विचरण कर रहा हो, भारत का तप निकल पड़ा हो, उसको देख करके हृदय गदगद हो जाता, आंख भर आती। और आज तो हमको इन महापुरुषों के दर्शन के साथ साथ पूजनीय माता जी का, सभी साधकाओं का दर्शन, भैया बहन जी के बारे में बताया पूज्य महाराज श्री जी ने कि आपने संसद में जाकर के संसद के लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए भी उद्बोधन सुनाए, और सबसे ज्यादा वहां ये जरूरी भी है हमारी दृष्टि से, क्योंकि वहां से देश चलता है, और देश का मुख्य बिंदु मुख्य केंद्र जब आध्यात्मिक होगा तो देश स्वाभाविक आध्यात्मिक होगा। और हम बहुत बार बोले भी और पुनः हम पुनरावृत्ति करते हुए कहते हैं कि हमें बहुत गौरव है जैन परंपरा के ऊपर, और सहज बस गौरव है, और हम आप दो नहीं एक हैं, जो कि महाराज जी अभी बहुत बल के साथ में, महाराज जी की जो ऊर्जा है, जो पूज्य महाराज जी की वाणी पूज्य है, पद्म सागर जी महाराज जी की, हमें तो छोटे मुंह से नाम लेना भी मूर्खता होगी, धृष्टता होगी, पर महाराज जी ने जो कितनी ऊर्जा के साथ बोलते, सहजता ऊर्जा, वह शब्दों का चयन, वह परिष्कृत वाणी, वो धारा प्रवाह बोलना, वह बड़ी मधुरता के साथ, बड़े जोश के साथ महाराज जी को सुनकर के ऐसे लगने लगा अभी तलवार उठा करके धर्म विरोधियों को मार। ऐसा भाव उमड़ पड़ता है जब महाराज जी प्रभाव में जब बोलते हैं, और जब वो उंगली का प्रयोग करते हैं और भौएं चढ़ाकर बोलते, लगने लगता तलवार उठा ले, जय बजरंग बली। ऐसे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिला, दो दो बार मिला, दो दो बार मंचों पर दर्शन भए, पहली बार ही मिले पर आज ही दो दो बार अलग अलग रूप में दर्शन भए, मन बड़ा गदगद है। साथ में इन महापुरुषों को कब हमें मिल पाना था, इन महापुरुषों को मिले, आप सबको मिलकर के बहुत प्रसन्नता है। अब हमारे भीतर दो दुविधाएं, हमें जल्दी जाना भी है और तुम्हें छोड़ भी नहीं पा रहे, जाना इसलिए क्योंकि चील गाड़ी पकड़नी है, उसने कहा है कि आप 8:30 के पहले आ जाओ तो उड़ पाओ, बड़ी गड़बड़ भावनगर पहुंचना भी, और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो आपके भाव को प्रधन्य गुवानी जी, उनके भाव के कारण हमको आप सबके दर्शन दें। सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोरी जुग पानी, हम आप सबको श्री सीताराम मैं मानकर खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं, एक दो बातें कह के वाणी को विराम करेंगे, एक छोटा सा अभ्यास का प्रयोग है। कोई किसी ने हमको पूछा चलते फिरते कि आपका मोक्ष पर क्या विचार है, और मोक्ष किसे कहते हैं? बहुत से लोग मृत्यु के बाद मोक्ष को समझते होंगे कि अगर मर गए तो हम स्वर्ग मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, उसे बहुत से लोग मोक्ष मानते हैं। हमारी दृष्टि थोड़ा अलग है, हमारा मानना है कि आप जीते जी कामनाओं से अगर मुक्त हो गए तो आपने मोक्ष को पा लिया, और ये इन संतों में, ये जो मुनि मंचासीन विराजमान है, इन आचार्यों में वो भाव है, इन्हें कुछ नहीं पाना, जो पाना है उसको पाने के लिए वो निकल चुके। हम लोग कुछ पाने के लिए बैठे हैं,
ये वो मुनि है, वो आचार्य है, वो महापुरुष है, इन्हें जो पाना चाहिए उसको पाने के लिए निकल पड़े हैं। सच में मुक्त कौन है? जो बंधन में नहीं, जो बंधन में है वो मुक्त है। जो बंधन करता है, जो बंधनी है, ये महापुरुष सब बंधन करते हैं, ये आचार्य सब बंधन करते हैं, ये बंधन में नहीं है। हम लोग बंधन में, एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, बंधन वाला महापुरुष ही बंधन वाले को छुड़ा सकता है। बंधन वाला महात्मा ही बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ा सकता है, और संभव भी ऐसे ही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इन सब आचार्यों के दर्शन कर रहे हैं। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक, अभी महाराज जी कह रहे थे कि इतने संत 6-6 महीने लग जाएं, हमें रामायण की 2 पंक्तियां महाराज जी याद है, अगर धृष्टता को क्षमा करना, हम तो आगल पागल मूर्ख हैं। हाँ पढ़े लेकिन ये स्कूल के पाछे वो पढ़ते रहे, और मास्टर हमें भेज देते वापस, हम पढ़ने जाते थे तो पूरी क्लास इकट्ठी हो जाती थी, सब बच्चे आ जाते थे, गुरु जी हमारा पर्चा निकालो, हम पर्चा निकालने लगते, तुम्हारी 60% बढ़ रही, मैथ में फेल हो रहे। तो 9वीं 10वीं 8वीं क्लास हमारे जाते ही इकट्ठी, तो मास्टर कहते थे तुम हमारी नौकरी छोड़वा दोगे, तो हम कहते थे हम क्या करें, बोले आप स्कूल मत आया करो। तो हमने कहा हम नहीं आए तो नाम कट जाएगा, बोले तुम्हारा नहीं कटेगा। तो हम जाते थे अपनी तरफ से थे और अपनी तरफ से बीच स्कूल से ही वापस आते थे मास्टरों की कृपा से। पढ़ नहीं पाए पर बात अलग है, लेकिन हमने रामायण में जितना समझा वो बता देते। रामायण में 2 चौपाइयां हैं, एक जगह गोस्वामी जी ने कहा बिनो हरि कृपा मिलह नहीं संता, बिना प्रभु की कृपा के संत नहीं मिलने वाले। लेकिन दूसरी जगह उन्हीं गोस्वामी जी ने अलग लिख दिया, एक ही रामायण में दूसरी बात लिख दी, पुण्य पुंज बिन मिलह न संता, बोले पुण्य के प्रताप के बिना संत नहीं मिलेंगे। हमने तुलसीदास जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज हमको संत मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें, वो प्रभु कृपा से मिले हैं या पुण्य उदय हुए तो मिले, ये निर्णय कैसे हो। मुस्कुराते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले बाबा तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा तुम पर हुई है। तो ये भगवान की कृपा हुई, इतने मुनि इतने महात्मा आप लोगों को दर्शन सहज हो रहे, ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये आज जन्माष्टमी अद्भुत हो गई है, चातुर्यमास परंपरा के अंतर्गत इन मुनियों के दर्शन करके, इन महापुरुषों के साधक साधकाओं के दर्शन करके, साध्वी माताओं के दर्शन करके हमारी जन्माष्टमी तो ऐसे बन गई जैसे आज तक नहीं बनी थी। और बनने की बात बोले तुम ताली बाद में बजा लेते हो, सुन लो यही तो भारत में बड़ी अद्भुत बात है। नेता आए तो नेताओं को ताली, नाचने वाले आए, अरे सुनो तो महाराज मेरे प्रिय, हम कहना ये चाह रहे बन जाना ही बन जाना है। राम जी बन गए तो बन गए, राम जी बन गए तो बन गए, और बन जाना ही बन जाना। अभी समझ में नहीं आया हो फिर समझो, संतों का बन जाना ही बढ़िया बन जाना है, इनका बन जाना ही अपना बन जाना है। बन मतलब बन नहीं, इनका बन, इनका हो जाना ही बन जाना है। लेकिन अब बने कैसे, इनका हो कैसे जाएं? तो एक शब्द है मैं भीतर गया, मैं भीतर गया मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, बस यही मुनियों के पास में है, ये इनका मैं भीतर चला गया, बस यही तुम्हें प्रयोग करना है। बहुत छोटा सा प्रयोग है, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, बस यही तुम्हें प्रयोग करना है। मैं का मतलब अहम भी, और मैं का मतलब ये आत्मा देखने वाली दृष्टा साक्षी, ये भीतर गई, अंदर के संसार को इसने देखा तो बाहर का संसार फीका लगता है। हमसे एक जने पूछ रहे थे आपके भारत में ये जैन परंपरा के मानने वाले लोग, लो भैया जाओ तुम आओ निकल गो, लो एक ही प्रवचन को भाव बेटा गुवानी जी के ऊपर करिए, जो जो भी बिल लगाना हो हम सो देना पाएंगे, हमने तोड़ा नहीं है, हम कसम खा के कह सकते हैं। अगवानी जी बगल में बैठे, इनको इनके पे काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और काम, विवाह होत के बाद में नदी सिरावत मौन, ये संसार का नहीं। आहा मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, मैं मतलब अहम, अहम भीतर जाते ही व्यक्ति सरल हो जाता है। इन मुनियों को देखना कितनी सरलता, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इनकी किससे दोस्ती हो किससे बैर, ये तो जो भी आता हम आ गए। ये इनकी पूज्य महाराज जी अभी बोल रहे थे, को जाने क्या क्या बोल रहे थे, ऐसे हैं बागेश्वर बाबा वैसे हैं, सच बताएं हम जैसे हैं ऐसे, आपके चरणों के जैसे हैं, हम कैसे भी नहीं है, ये संतों के चरणों का प्रताप है,
उनके चरणों की धूली का प्रताप है, हम कुछ भी नहीं, लेकिन ये इनकी दृष्टि है महात्मा। क्यों? क्योंकि महात्माओं का मैं भीतर चला जाता है। हमारे एक संत हमें कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम बड़ा खतरनाक है। अच्छा अहम क्या है? कभी विचार करना, हम एक दिन बैठे बैठे महाराज जी सोच रहे थे, दो जीव ज्यादा मारे जाते, एक मुर्गा एक बकरा। सबसे ज्यादा हत्या किसी जीवों की होती है तो बकरा की और मुर्गा की, सबसे ज्यादा हिंसा। एक दिन हम सोचा थे इनकी इतनी हिंसा क्यों, दोनों गलत काम करते। क्या गलत? मुर्गा जगाने का काम करता है और दुनिया वालों को सोने की आदत है, तो जो भी जगाने का काम करेगा काटा जाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा काटा जाए। लेकिन फिर हमने सोचा कि ठीक है मुर्गा का तो कटना ठीक है क्योंकि वो जगा। एक दिन हमसे कह रहे थे आपको बहुत गालियां मिलती हैं, हमका मिलनी चाहिए क्योंकि हम सच बोल देते हैं और सच बोलने वाले को ही गालियां मिलती, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है अगर हम सही बोले और कोई गाली दे, समझ जाना तीर निशाने पर। आपके कहने से किसी को बुरा लगे समझ जाइएगा कि यही चोर है। हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है, तो वो उसका टेंशन। अच्छा मुर्गा ठीक है हमने मान लिया कि वो जगाता है इसलिए करता है, लेकिन बकरा क्यों काटा था? क्योंकि उसकी आवाज में गड़बड़ है, वो मैं करता है, यहां मैं है ही नहीं कुछ, जो मैं करेगा वो कटेगा। ये मैं शब्द है अहंकार का प्रतीक, इसलिए एक बहुत सरल सा अभ्यास आपको करना है, जो है सब प्रभु की कृपा है, जो नहीं है वो भी प्रभु की कृपा है। हमारे गुरु जी हमसे कहते जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई कम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है पर जो हमने पाया वो लाजवाब है। हमने जो भी पाया वो कम क्या पाया, इसलिए आप लोग जितने भी जन बैठे हैं इससे बड़ा कुछ है नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, बेटा पैसा पत्नी पापी के भी घर होते, पर संतों का समागम और भगवान की कथा तो ये दोनों दुर्लभ है, ये किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा के यहाँ नहीं, परम भाग्यशाली के यहाँ होता है। धर्मात्मा तो वो होता ही है, पुण्यात्मा तो होता ही है, पर बड़े भाग मानस तनु पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया। अच्छा पहला भाग्य क्या? मनुष्य का तन मिला, लेकिन दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला, ये दूसरा सौभाग्य है। मान लो तुम लोग चीन में होते पैदा, तो क्या चतुर्मास में यहां बैठे होते हैं? चीन में होते तो चिंग चौंग चांग चौंग चमन चौंग कर रहे होते हैं? भगवान की कृपा है हमें भारत जैसा वतन मिला, सनातन की भूमि पर हम लोग आए। बुरा ना मानना, आप लोग हमारे अपने हो, हम तो कुछ महाराज जी के कारण ही आए, इन मुनियों के कारण, क्योंकि इन मुनियों ने एक नई अलग जगह रखी देश को जगाने की, दुनिया को हकीकत बताने की, इन महात्माओं ने अलग जगह रखी और हम तो यही आए कुछ विधर्मी चाल चलकर सनातन को और जैन परंपरा को अलग कर रहे। हमारा उद्देश्य ये है, देखो भैया अगर सनातन तन है तो जैन परंपरा उस तन के प्राण है और प्राण के बिना तन का कोई मतलब नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। श्वास के बिना शरीर का क्या मतलब, साधक के बिना साध्य का क्या मतलब, साध्य हो और साधक ना, भक्त हो भगवान ना, शिष्य हो गुरु ना, नदी हो पर पानी ना, तो क्या मतलब है? इसीलिए हम लोग एक बात बहुत, आप लोग बहुत गंभीरता से समझ लें, ये सब एक है, ये दो नहीं बैठे, एक ही बैठे हुए हैं, सब एक बैठे हुए हैं। जैसे 20 घड़ों में पानी भरकर रख दो जून के महीने में, जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सूर्य है, सूर्य तो एक ही है पर जिसमें देखोगे उसमें दिखाई देगा। वैसे ही सनातनी हम सब एक हैं, न जैन परंपरा। हमारे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का वर्णन कितना प्यारा आता है। अरे और तो ठीक है, ऋषभ देव भगवान के ही वंश में जब भरत जी महाराज का प्रादुर्भाव की चर्चा आती है तो इस देश का नाम भी भारत पड़ता है, उसका श्रेय भी जैन परंपरा को जाता है। ये सौभा, लेकिन ये दो नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, दोनों एक हैं। जैसे राम और कृष्ण दो नहीं एक हैं, जैसे आदमी और आदमी की काया दो नहीं एक होती है, जैसे आंख और आंख की रोशनी एक होती, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी एक होती, जैसे मिठाई और मिठाई की मिठास दोनों एक होती है, जैसे भैया परमात्मा और आत्मा दोनों एक हैं, वैसे ये सब भी हम लोग एक ही बैठे हुए। तो जैसे बना मन में था एक बार महाराज जी से मिलने, जितने महाराज जी ललायत थे उतने महाराज जी को मिलने के लिए हम ललायत थे, इसके लिए गुवानी जी को हम बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं।